हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहले तो सभी के लिए खुशी की बात है कि विष्णु जी मामले में सीएम अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच की सैद्धांतिक सहमति दी है। अब ये सैद्धांतिक सहमति क्या होती है वो भी वीडियो में आगे बात करेंगे। आज का ये वीडियो विष्णु जी की सीबीआई जांच करवाने में किसका बड़ा योगदान है उसको लेकर है। आपको लग रहा होगा कि वरिष्ठ एडवोकेट गोवर्धन सिंह की वजह से या आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की वजह से सीबीआई जांच हो रही है, तो यह आप गलत सोच रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आखिर किसने अशोक गहलोत को सीबीआई जांच के लिए मजबूर किया, और अंत में यह भी बात करेंगे सीएम ने उसके बाद क्या डिसीजन लिया, क्योंकि अभी तक सीएम ने सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं दिए है। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस मामले में एडवोकेट और विष्णु जी के खास दोस्त गोवर्धन सिंह की भूमिका के बारे में। इस केस में न्याय दिलाने में अगर सबसे अहम रोल किसी ने अदा किया है तो वो है एडवोकेट गोवर्धन सिंह का। जैसे इनको इस हरदी विधायक घटना के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर वो चैट उजागर कर दी जो बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन इन सब के बावजूद सभी चाहते थे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तभी सच सामने आ सकता है। कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि एडवोकेट की भूमिका सीबीआई जांच में हो सकती है, लेकिन हम सभी को पता है कि इन सब का सीएम अशोक गहलोत पर कोई असर नहीं पड़ा, उनके जून तक नहीं रहेंगी। नागौर से एमपी हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था, ट्विटर पर मुहिम चलाकर इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन बावजूद इसके सीएम अशोक गहलोत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इसको लेकर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया। सोशल मीडिया पर भी सीबीआई जांच को लेकर बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया गया, लेकिन इसका भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन था जिसने सरकार को सीबीआई जांच के लिए मजबूर किया। सीबीआई जांच करवाने में सबसे अहम रोल अगर किसी का है तो वो है बिश्नोई समाज का प्रतिनिधि मंडल, जो कल सीएम से मिलने उनके आवास गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से सीएम अशोक गहलोत मजबूर हुए सीबीआई जांच के लिए। चूरू के राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई द्वारा 23 मई को किए गए प्रकरण की जांच अब सीबीआई से करवाने पर सीएम अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक सहमति दी है। अब पीड़ित परिजनों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहे तो केस की जांच सीबीसीआईडी कर सकती है, वे चाहे तो न्यायिक जाँच भी हो सकती है, और यदि वे चाहते हैं कि मामले की जाँच सीबीआई करे तो इस पर भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आखिर सीएम अशोक गहलोत से मैं पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा मापदंड क्यों, क्योंकि इनके परिजन तो पहले दिन से ही सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया है कि इसकी न्यायिक जांच जो परिवार चाहेगा या जो परिवार कहेगा या जो परिवार चूज करेगा अपनी मर्जी से कि सीबी से करवानी है, सीआईडी से करवानी है, सीबीआई से करवानी है, उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी है। यानी सरकार ने कह दिया है कि जो परिजन चाहेंगे वही जांच करवाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सोमवार दोपहर बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने गहलोत से मिलकर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। इस प्रतिनिधि मंडल में बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, महेंद्र बिश्नोई, पब्बाराम सहित विष्णुदत्त बिश्नोई के परिजन एवं अन्य शामिल थे। गहलोत ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि वे इस मामले में विधिक राय लेकर निर्णय लेंगे। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री गहलोत ने वरिष्ठ अफसरों के साथ पूरे घटनाक्रम की समीक्षा के बाद जाँच की मंजूरी दी है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक जांच की सहमति दी है, इसका मतलब कह सकते हैं कि परिवार जो चाहेगा अपनी मर्जी से वो जांच करवा सकता है, और पहले दिन से ही परिवार और हम सब की एक ही मांग है कि ईमानदार पुलिस अफसर को न्यायिक जांच यानी सीबीआई जांच मिलनी चाहिए।